Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English language. The chapter name is conjunctions. इसे हम हिंदी में संयोजन भी कहते हैं. Conjunction का use होता है दो sentence को आपस में add करने के लिए. दो sentences को आपस में एक साथ join करने के लिए conjunctions का use होता है. Here a definition of conjunction is also given. Conjunctions are the words which join together words, phrases and clauses. Conjunction वो words होते हैं जो which join together words, जो words को join करते हैं, phrase को join करते हैं और clauses को join करते हैं. Example के लिए, I like cooking and eating, but I don't like washing dishes after. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. I go to the park every Sunday for I love to watch the ducks on the lake. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. You can have vanilla ice cream or brownie sundae. तो ये सारे words हैं जो कि conjunction की तरह use होते हैं. इसका अलग अलग but means लेकिन होता है, आपको पता है, and means और होता है, for means के लिए, yet means फिर भी, or means या. इसी तरीके से कुछ conjunctions होते हैं जिनका use किया जाता है sentence को एक दूसरे से जोड़ने के लिए. देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंजंक्शंस दिए गए हैं और उसके एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि ऑल्दो है. ऑल्दो मींस यद्यपि, यदि होता है. एंड मींस जानते हैं. एज मींस जैसे. बिकॉज मींस क्योंकि. बट मींस लेकिन. फॉर मींस के लिए. इधर और यानी या तो या. इवन यानी कि फिर भी. इवन इफ मींस यहाँ तक कि. इवन दो. How, ये सब आप जानते ही होंगे. How means कैसे. However means कैसे. If, instead means बजाय. In case, in spite of. Neither means ना तो ना. Or otherwise, still, since, that, therefore, though, unless, until, what, when, whereas, while, whether. ये सारे conjunctions हैं आपके जो sentence के according में लगाए जाते हैं. स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस कि हमें उसको कहां पर ऐड करना है. आपको थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर कौन सा कंजंक्शन कहां पर यूज हो सकता है. जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आप बुक में ही फिल करिएगा इस एक्सरसाइज को. फर्स्ट एक्सरसाइज को आप बुक में ही फिल करिएगा. नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज बी. इसमें आपको क्या करना है, सिंपली कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है. अगर आप कंजंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं भी कर पाते, नहीं भी पहचान पाते, तो आप चैप्टर में जितने भी कंजंक्शंस दिए हैं उसको एक बार आप रीड आउट कर लेंगे तो आप इसमें आराम से आपको मिल जाएंगे. जैसे बट दिया है, एंड दिया है, फॉर दिया है, ये सारे कंजंक्शंस आपको बुक में सिर्फ अंडरलाइन करने और कुछ नहीं करना. मैं सेंटेंसेस थोड़ा सा आपको इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ. शी वर्कड हार्ड सो शी केम फर्स्ट इन द एग्जाम. उसने कठिन परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, इसीलिए. सो मीन्स इसीलिए she came first in the exam, इसलिए वो exam में first आई. Although he ran fast, he did not win the race. यदि कि वो बहुत तेज दौड़ा, फिर भी वो race नहीं जीत पाया. I will not leave until it is stops rain. जब तक, until means होता है जब तक ना. मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक rain stop नहीं. He went for morning practice, therefore he had to get up early. उसे morning practice, he went for morning practice. वो morning practice के लिए जाता था.
therefore he had to get up early. इसलिए उसे जल्दी उठना पड़ता था. I like to eat strawberries and cream. उसे I like means मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना पसंद है. I went to the market but did not buy anything. मैं मार्केट गया लेकिन मैंने वहां पर कुछ नहीं खरीदा. तो लेकिन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बट. Do as I do. वो करो जैसा मैं करता हूँ. As means जैसा. Which shirt do you like? The red or the green one? कौन सी शर्ट तुम्हें पसंद है? Red या green? या और means या. Hemant failed in the exam because he did not study hard. Hemant exam में fail हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था. Because means क्योंकि. बंजी जंपिंग इज फन. बंजी जंपिंग बहुत फनी है, फन है उसमें, इंटरेस्टिंग है. दो इट कैन बी डेंजरस, फिर भी वो डेंजरस हो सकती है. आई एम श्योर दैट यू विल लाइक दैट लाइक प्लेस. मैं श्योर हूँ कि तुम्हें वो प्लेस पसंद आएगा. यू मस्ट रीच द स्टेशन ऑन टाइम अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. अदरवाइज मिस होता है नहीं तो. अगर तुम्हें स्टेशन टाइम पर पहुंचना चाहिए नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी. वी प्लेड बैडली स्टिल वी वॉन द मैच. हमने बहुत खराब खेला फिर भी, स्टिल मींस फिर भी हम मैच जीत गए. तो इस तरीके से जब आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से कंजंक्शन कहाँ पर लगाने हैं. अब यहाँ पर अंडरलाइन करना है सिंपली, वो आप कर सकते हैं. अब हम आएंगे types of conjunctions में. There are three types of conjunctions: coordinating, subordinating and correlative. Conjunctions are of three types: coordinating, subordinating and correlative. Coordinating conjunctions. A coordinating conjunction joins words, phrase, clause having similar grammatical structure. A coordinating conjunction is also called a coordinator, which are but, and, or, so, not yet, for. Coordinating conjunctions mein you will have to learn it that how many words are used in coordinating conjunctions, just like that. But, and, or, so, not yet, for. ये सारे वर्ड्स होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में यूज होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज फ्रेज क्लॉज को ऐड करने के लिए, जॉइन करने के लिए किया जाता है जिसमें कि सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है. और इट जॉइंस द फॉलोइंग, एक चीज को कुछ जॉइन करते हैं, वर्ड टू वर्ड जॉइन करते हैं, फ्रेज टू फ्रेज जॉइन करते हैं, क्लॉज टू क्लॉज को जॉइन करते हैं. जैसे कि सेंटेंस दिया है, अब टू वर्ड्स को जॉइन करना कैसे है. He bought a book and a pen. दो वर्ड्स हैं, दोनों थिंग हैं, थिंग्स हैं. तो उसने क्या खरीदा? एक बुक और एक पेन खरीदा. I forgot to bring my laptop and camera. इसमें भी टू वर्ड्स हैं. मैं भूल गया अपना लैपटॉप लाना और कैमरा. You may meet me at my home or at my office. Two phrases हैं इसमें, कौन कौन से? तुम मुझे मिल सकते हो या तो मेरे घर पर या मेरे ऑफिस. I waited for him but he didn't come. मैंने उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया. तो ये टू क्लॉज हो गया. Next, she always sits in the library or द क्लासरूम. वो हमेशा या तो लाइब्रेरी में बैठती है या फिर क्लासरूम में बैठती है. She requested him for help but he didn't help. उसने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया. The underlined parts are the words. जो underlined parts हैं वो या तो word है, जहाँ पर वर्ड इंडिकेट किया जा रहा है वहां पर वर्ड है, जहाँ फ्रेज इंडिकेट किया जा रहा है वहां फ्रेज है, जहाँ क्लॉज इंडिकेट किया जा रहा है वहां क्लॉज है. जॉइन द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज एंड और बट. इस तरीके के कंजंक्शन का यूज करके हम दोनों को ऐड किया है हमने.
The words, phrase and clause joined by coordinating conjunction in each sentence are of similar grammatical nature. ये सारे जो हैं हमेशा दो words या clause या phrase आपस में join किए जाते हैं जहाँ पर similar grammatical nature होता है. तो ये हो गया आपका coordinating conjunction. अब इससे related एक exercise है, इसको आप copy में करेंगे. एक्सरसाइज को कॉपी में कर लीजिएगा. तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू टुमॉरो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कंप्लीट योर वर्क.